अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जो यज्ञ हुआ वो यज्ञ सफल हो गया, भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने विचार किया गंगा के तट पर कि सरजू जी के तट पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल हो गया, लेकिन मैं गंगा के तट पर यज्ञ कर रहा हूं, मेरा यज्ञ सफल ही नहीं हो रहा। प्यारे, विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हुआ। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ करते हैं राक्षस आक्रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यज्ञ तो कर रहे हैं विश्वामित्र जी, लेकिन सफल नहीं हो रहा उनका यज्ञ। यही जप जोग जग मुनि करहिं, यही जप जोग जग मुनि स्वभाव से डर रहे हैं, खरदूषण से नहीं डर रहे हैं, रावण बाणासुर से नहीं डर रहे हैं, लेकिन मारीच स्वभाव से डर रहे हैं। अच्छा, विचारवान श्रोताओं विचार करना, मारीच किससे डरता है? रावण से डरता है। बोलो, मारीच रावण से डरता है कि नहीं? जब रावण मारी था, रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणो नृप नारी। का कपटी मृग बन जाओ और यदि नहीं बनते हो तो ये कृपान उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिश रघुनायक शरणा। इसका मतलब है कि रावण से डरता है मारीच। विश्वामित्र जी मारीच से डरते हैं, क्यों भाई? यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अगर विश्वामित्र जी रावण से डरते होते तो रावण कभी विश्वामित्र जी के यज्ञ पर आक्रमण करता? और विश्वामित्र जी महाराज रावण से संबंधित कोई चर्चा करते कि रावण मुझे बहुत परेशान कर रहा है, रावण मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहा है? उन्होंने तो यही कहा, ये मारीच स्वभाव मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे। रावण का तो नाम ही नहीं लिया। विश्वामित्र जी महाराज में बहुत बड़ी ताकत है। प्यारे, एक ओर परशुराम जी और दूसरी ओर विश्वामित्र जी, ये बराबरी का दर्जा है। विश्वामित्र मिले पुनि आई, क्यों भाई? जो गले से गले लगाकर मिलता हो बराबरी का होता है कि नहीं होता है? परशुराम जी से जनकपुर में गले लगाने की हिम्मत किसी की थी? बोलो, अगर गला लगा करके हृदय से हृदय मिला करके गले से गले को लगा करके यदि मिलन किया है जनकपुर में किसी ने, तो वो परशुराम जी से विश्वामित्र जी महाराज ने किया है और किसी ने नहीं कर पाया। हिम्मत की बात है कि नहीं? हिम्मत की बात है। जनक जी तो जनक बहोर आए सिर नावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा, लेकिन विश्वामित्र मिले पुनि आई।
विश्वामित्र जी तो हृदय से हृदय मिलाकर, गले से गले लगकर मिल रहे। इसलिए एक और विश्वामित्र जी महाराज, दूसरी ओर परशुराम जी। और याद रखना, शस्त्र विद्या के परमाचार्य हैं विश्वामित्र जी महाराज। भगवान राम को शस्त्र विद्या दीक्षणी दी, भगवान राम ने भी शस्त्र गुरु के रूप में विश्वामित्र जी को स्वीकार किया है। जिन अस्त्र शस्त्रों ने भगवान श्री राम के माध्यम से रावण का वध किया, और जो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा श्री राम जी को मिले, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अगस्त आदि के अस्त्र शस्त्र ऋषि मुनि महात्माओं ने सभी ने दिए ना भगवान को अस्त्र शस्त्र, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री राम को शस्त्र विद्या का ज्ञान किसने दिया, बोलो? सबसे पहले गोस्वामी जी कह रहे हैं, तव रिस निज ना थहि जिय चीन्ही, तव रिस निज ना थहि जिय चीन्ही, तव रिस निज ना थहि जिय चीन्ही, तव रिस निज ना थहि जिय चीन्ही। विद्या निधि कहूं रस निज नाथे जिए चीनी, विद्या निधि को विद्या दीनी, शस्त्र विद्या। ऐसे परम शस्त्रधारी, शस्त्र विद्या के परमाचारी श्री विश्वामित्र जी महाराज, जो श्री राम जी को भी शस्त्र विद्या बताते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। चर करही उपद्रव मुनि दुख पावही, 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 करही उपद्रव मुनि दुख पावही। इतना उपद्रव कर रहे हैं मारी सुभाव के विश्वामित्र जी महाराज, रो रहे बैठे बैठे। किम कर्तव्य विमूढ, कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, कारण क्या है? कारण समझना चाहिए, कारण को मैं समझा रहा हूं। महात्मा किसी से डरता नहीं है, मौत से नहीं डरता है वो। मौत आ जाए तो कहता है कि स्वीकार करो मुझे, क्यों? अरे कहां ले जाएगी तू, मेरे प्राण ही तो लेगी। अरे प्राण तू लेगी, लेकिन ये प्राण मेरी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। महात्मा की आत्मा किस में विलीन होती है, बोलो? विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। तो डरने की क्या जरूरत? अभी आत्मा संसार में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, लेकिन यही आत्मा अगर विश्वात्मा में विलीन हो जाए, संसार बनाने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाए, तो बोलो ये सौभाग्य नहीं, ये तो परम सौभाग्य होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए मौत से क्या डरना, मरने से क्या डरना? सावधान, कोरोना में बहुत मरे लेकिन महात्मा एको नहीं मरे, रिकॉर्ड है।
प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोरोना ले नहीं जा पाया उनको। वैसे वो डरते नहीं है, महात्मा कहां डरते हैं मौत से। जो नकली साधु होगा वो जरूर डरेगा, लेकिन असली साधु मौत से नहीं डरता है, वो तो चैलेंज करता है मौत को, मौत को चैलेंज करता है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज क्या मृत्यु से डर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि यज्ञ का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अपनी चिंता नहीं है उनको, किसकी चिंता है? यज्ञ की चिंता है कि यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। महात्मा अगर रो रहा है, विश्वामित्र जैसा परम संत अगर दुखी हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, यज्ञ की चिंता है। धन्य है विश्वामित्र जी महाराज कि आप यज्ञ की सफलता चाहते हैं, और यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन मारीच स्वभाव को क्यों नहीं आप फटकार रहे हैं? मारीच स्वभाव का अंत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये साहस आपके अंदर क्यों नहीं है? कारण यह है कि महात्मा अगर भयभीत होता है तो काल से नहीं, संसार में किसी से नहीं। केवल एक ही ऐसा राक्षस है जिससे महात्मा डरता है, वो है दोष। दोष किसी महात्मा के जीवन में अगर दोष रूपी राक्षस आ जाए तो महात्मा भयभीत रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं? और यदि महात्मा के जीवन में दोष नहीं आया है तो बोलो वो डरता है किसी से? किसी से नहीं डरता है। ये दोष सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए दोषों से दूर रहना चाहिए साधु संतों को। और साधु संतों से जो जुड़े हैं, संतों को चाहिए कि उनको भी दोषों से दूर करें। स्वयं तो रहे ही, लेकिन जैसे आप सब दोषों से दूर होने के लिए ही तो कथा करा रहे हैं कि हम सब दोषों से दूर हो जाएं। हमारे जीवन में जो दोष हैं वो कथा सुन करके, संत वाणी सुन करके दोष दूर हो जाएं। इसलिए आप यज्ञ भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ जब होता है तब दोष जो है आक्रमण करता है। यज्ञ के प्रति छिद्राण वेषण करना ही तो ये दोष शत्रु रूपी राक्षस का स्वरूप है। बोलो, है कि नहीं? छिद्राण वेषण करना ही यज्ञ पर आक्रमण करना है, और ये काम मारीच का है। यज्ञ पर छिद्राण वेषण करना, यज्ञ के लिए दोषों को खोजना, यज्ञ में यज्ञ के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यही राक्षसत्व है। और ये प्रवृत्ति किसकी है? मारीच की। लेकिन प्यारे, यज्ञ से ही दोष दूर भी भागता है। पहले यज्ञ दोष पर आक्रमण करता है। बोलो, करता है कि नहीं? शुरुआत में लोग दोष ही तो निकालते हैं यज्ञ में, ये कमी ये कमी ये कमी, ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, ये कमी ये कमी ये ठीक नहीं। बोलो, यही छिद्रान्वेषण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, तो ये दोष जो है भागने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ये दोष भागने लगते हैं। एक बात और बताएं आपको, लेकिन यज्ञ कब सफल होता है और दोष कब दूर होते हैं? जब यज्ञ में भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। सावधान, ये देवता वेद मंत्रों के द्वारा प्रकट होते हैं,
लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। जहां भक्ति है वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। यही तो देवताओं में